Hey guys, welcome back to the channel. My name is Abhishek and all of you guys watching the Tech Traveler Blend. तो दोस्तों आज का जो वीडियो होगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम कोई अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे. तो एक ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी और आपके डे टू डे लाइफ में भी आप इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो. तो दोस्तों जल्दी से इसको ट्रिक को देखते हैं और सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स Get into it. तो दोस्तों जैसे ही आप सभी को एक बात पता होगी कि कोई भी आपको WhatsApp पे मैसेज भेजता है और सडनली उसको जल्दी से डिलीट कर देता है तो वो मैसेज आप नहीं पढ़ पाते. तो ये जो है ट्रिक आपके लिए उसी काम के लिए होगी, क्योंकि जो भी वो मैसेज डिलीट करेगा उसी बावजूद आप वो मैसेज अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो. तो ये जो ट्रिक है मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ. तो जल्दी से हम मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जाते हैं और मैं आपको सारा सब कुछ बता दूंगा कि किस तरीके से आपको प्रोसीजर करने है कि आप डायरेक्टली वो मैसेजेस पढ़ सकते हो. तो दोस्तों अगर ये आपको ट्रिक यहाँ पे करनी है तो आपको पहले तो प्ले स्टोर पर जाके यहाँ पे व्हाट्स रिमूव प्लस करके टाइप करना होगा. जैसे आप टाइप करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो आपको पहला ही यहाँ पे सजेशन आएगा वॉट्स रिमूव प्लस करके. तो जो है ये आपको एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड करना है और जैसे आप डाउनलोड करोगे कुछ अराउंड 4.3 MB का ये जो है पूरा ऐप आपको 4.90 MB का जो है पूरा ऐप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा. तो दोस्तों हमने ये जो ऐप है ये पूरा इंस्टॉल कर दिया है. तो जैसे ही आप ऐप को पूरा स्टार्ट करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको कुछ परमिशंस मांगे गए या फिर कुछ आपको सिक्योरिटी के बारे में बताया गया है. तो आप ये जो है पढ़ सकते हो और अगर आपको नहीं पढ़ना तो यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हो. यहाँ पे जो है ये परमिशन आप पे ऑन करनी पड़ेगी और ये सारी चीजें जो है आपको अलाउ करनी पड़ेगी. देख सकते हो आपको बहुत सारे ऑप्शंस पे दिखाई दे रहे होंगे. ये जो ऑप्शंस है ये ऑप्शंस आप चूज कर सकते हो. कोई भी जो मैसेज यहाँ पे डिलीट होगा ये मैसेज सारे रिकवर कर देगा आपके लिए. तो हमें जो है व्हाट्सएप के मैसेजेस जो है रीड करने हैं जो डिलीट हो चुके हैं. तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप ऑप्शन जो है चूज़ करना पड़ेगा. जैसे ही आप ये ऑप्शन चूज़ करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो दो ऑप्शन यहाँ पे आपको आ जाएंगे, जैसे कि यस सेव फाइल्स एंड डू नॉट सेव फाइल. तो आपको यहाँ पे सेव फाइल्स करने हैं. ये आपके चॉइस के ऊपर है कि आप फाइल्स को सेव करना चाहते हो या फिर नहीं. तो अगर आप डू नॉट सेव फाइल्स करोगे तो डायरेक्टली जो है आपके यहाँ पे जैसे ही मैसेजेस आएंगे यहाँ पे आपको शो किए जाएंगे. तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही आपको यहाँ पे एक मैसेज डिलीवर होगा, अगर आपने ये मैसेज नहीं पढ़ा और उसके साथ साथ जिस बंदे ने आपको ये मैसेज डिलीवर किया है वो अगर ये मैसेज डिलीट कर देता है तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देता होगा, जैसे कि दिस मैसेज वॉज डिलीटेड. तो आपको ये मैसेज पढ़ना है कि क्या था इस मैसेज में. तो जैसे आपको ये पढ़ना चाहिए तो आपको यहाँ पे वॉच रिमूव में जाना होगा. जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो ये जो है ऐप उसको कैप्चर कर लेगा. आप यहाँ पे भी देख सकते हो देयर आर न्यू एलिमेंट्स करके आपको आएगा. इसको सिर्फ आपको रिफ्रेश करना है और जैसे ही करोगे आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है मैसेज मुझे डिलीवर हुआ था, जैसे कि हाय करके, और यही मैसेज जो है डिलीट भी हुआ था. तो जो भी मैसेज यहाँ पे होगा वो डायरेक्टली आपको इस तरीके से शो किया जाएगा. तो ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा एप्लीकेशन है. अगर आपको किसी के मैसेज ऐसे आते हैं और वो डिलीट होते, गर्ल्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐप मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए अच्छा है यहाँ पे. लेकिन मैं एक बात बताऊँ तो ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी. तो अगर आप नहीं चाहते आपके मैसेजेस कोई अदर ऐप रीड करे बैकग्राउंड में तो आप इसको डिलीट कर सकते हो. ये जो है सिर्फ डिलीटेड मैसेज सीन करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो. हाँ, एक इसका डिसएडवांटेज ऐसा है कि अगर ये आपने डिलीट कर दिया ऐप और किसी ने मैसेज भेज के उसके साथ साथ उसको डिलीट भी कर दिया तो जो है आप यहाँ पे इस मैसेज को नहीं पढ़ पाओगे. तो आपको ये कंटिन्यूस आपके फ़ोन में ये ऐप रनिंग में रखना पड़ेगा. तो
उसी के साथ ही आप इसको अच्छी तरीके से मैसेज रीड कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ है और बहुत ही अच्छा है। आप ये जो है सिर्फ व्हाट्सएप के लिए नहीं तो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सो होपफुली दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो गाइज प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। उसके साथ साथ दोस्तों मैं आप सभी को एक बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जो है हमारा चैनल बहुत ही ज़्यादा फास्टली अभी ग्रो हो रहा है। लगभग हमारी जो टेक ट्रैवल ब्लेंड की फुल फैमिली है सब्सक्राइबर्स की, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है। तो आपका भी सपोर्ट यहाँ पे दिखाए, कमेंट करिए क्या आपको अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उसके साथ साथ क्या इम्प्रूवमेंट हमें करनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपको क्या टॉपिक्स चाहिए है कि आपको अगले वीडियो में आप उस टॉपिक को देखना पसंद करोगे। तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं अपना बेस्ट दूंगा वो वीडियो आपको बना के दिखाऊं। तो जो है मिलते हैं अगली बार दोस्तों किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ।